जानी, ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है। तो अब हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका ग्लैम पेटल्स में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिलीशियस होने वाली है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ एक बड़ी सारी सैंडविच, यानी कि जायंट सैंडविच। तो जैसे कि मैंने पिछले अपने दो वीडियोस में आपको दिखाया था कि कैसे मैं बहुत बड़ा सारा जो चिप बना रही हूँ, और जंबो पानी पूरी भी मैंने बनाई थी, जिसे आप सबने बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है। तो बस आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ बहुत बड़ी सारी सैंडविच। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जायंट सैंडविच बनाने के लिए हमें ब्रेड की तो जरूरत पड़ेगी ही। दो पीस ब्रेड के साथ एक सैंडविच तैयार हो जाती है, और यहाँ पर मैंने दो बड़ी ब्रेड ली है, क्योंकि हमें एक जंबो सैंडविच बनानी है तो ब्रेड की जरूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ब्रेड ले आई हूँ, ये मेयोनीज है, और यहाँ पर बहुत सारी तैयारी मैंने करके रखी। मैं आपको क्लोजअप लुक भी दूंगी, नज़दीक से भी दिखाऊंगी। ये टोमेटो केचप है, यहाँ पे अमूल चीज आप देख सकते हैं, ये ब्लैक पेपर है, ये रेड चिली फ्लेक्स है, ये ऑरिगेनो है, ये सॉल्ट है, और यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे बड़ी सारी सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये धनिया पत्ता है, ये प्याज है, मैंने बहुत बारीक काट ली है, ये खीरा है, ये कैप्सिकम है, ये टोमेटो है, और ये स्वीट कॉर्न है, ये टोमेटो केचप है, और ऊपर से दिखा देती हूँ, ये है अमूल चीज़, ये ब्लैक पेपर, ये रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक, सॉल्ट, और ये है मेयोनीज, और ये ब्रेड। तो पहले हम सैंडविच के अंदर की जो फिलिंग है, जो उसके अंदर हम भरेंगे, उसकी तैयारी कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा बोल, अब इसमें हम इन सब चीजों को पहले डाल देंगे। ओके, ये गया कैप्सिकम, ये गया क्यूकम्बर, अनियन, टोमेटो, धनिया पत्ता, और ये जो कॉर्न है ना, स्वीट कॉर्न, इसे मैं एंड में डालूंगी, क्योंकि मेरा एक बेटा कॉर्न नहीं खाता, तो मैं थोड़ी सी स्टफिंग निकाल लूंगी पहले, उसके बाद कॉर्न मिलाऊंगी। तो बाकी की चीज़ें मिला लेते हैं। ये थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स हो जाएगा, ब्लैक पेपर, सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और अब मिला लेंगे मेयोनीज, आपको जितनी पसंद है आप डालिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए, मैंने सिर्फ 3 से 4 चम्मच डाला है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिलाऊंगी मैं कॉर्न, ब्रेड के अंदर जो भी स्टफिंग्स हमें डालनी है, जो फिलिंग हमें डालनी है, वो रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा मेयोनीज ना, मेयो में और डालते हैं। वैसे मैं डाल चुकी हूँ, बट थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लेते हैं। ओके, ये रेडी हो गया है, अब ब्रेड तैयार कर लेते हैं ना। और यहाँ पर काफी सारी ब्रेड हमने ले ली है। आप सोच सकते हैं, सिर्फ दो पीसेस के साथ तैयार होने वाली एक सैंडविच दो पूरी बड़ी ब्रेड के साथ तैयार होने वाली है, क्योंकि साइज भी तो देखो ना, कितना बड़ा साइज बनने वाला है। तो अब पता क्या करना है, अब ये जो साइड्स है ना, इसके जो साइड्स है, ये सारे हमें काट करके हटा देने हैं। तो ये मैं कर लेती हूँ फटाफट से। जानी, ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है। तो इसे अब कट कर लेते हैं। तो दो दो पीसेस करके कर लेती हूँ मैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा काटना, थोड़ा कंजूसी कर लिए इसमें। मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ी और अच्छी वाली ब्रेड मुझे मिल पाती, जो बड़ी बड़ी स्लाइसेस होती है काफी ज्यादा। मैं गई वो लेने, पर वहां नहीं थी वो ब्रेड। कट जा, कट कट जा। तो इस तरह से मैंने इसके साइड्स देखिए आप काट दिए हैं। तो इन सब ब्रेड्स की भी साइड वाले जो है ना, ये वाले सख्त वाले पार्ट, इन्हें काट करके मैं तुरंत हाजिर होती हूँ आपके सामने। तो अब
हमारी ब्रेड जो है कट कर तैयार हो गई है, साइड्स कट चुके हैं और अब इन्हें जोड़ना बाकी है। थोड़ा हट यार, मुझे भी तो आने दो कैमरे में, सारे खुद ही कैमरे में आए हुए हैं। अरे यार, तो ये सारी ब्रेड जो है, ये पीसेस साइड्स जो है मैंने काट दिए हैं और अब इन्हें जोड़ने की बारी। तो चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं। तो इन्हें जोड़ने के लिए मैं ये फॉइल पेपर ले रही हूँ ऐसे, और अब इसके ऊपर मैं इन्हें सजा दूंगी ऐसे। जुड़ तो जाएंगी ना, जुड़ तो जाएगी ना। तो मैं तीन तीन पीस करके रखूंगी। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट 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 वेट, डोंट वरी, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, सब दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, मैंने तीन तीन तीन, इधर भी तीन 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 ऐसे करके रखी है। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन चलाएंगे, शायद चिपक जाए। उसके बाद इसके ऊपर जो मैंने फिलिंग रेडी की वो रखूंगी, वो डालूंगी। उसके ऊपर फिर से रखेंगे इसी तरह ब्रेड पीसेस, फिर फिलिंग डालेंगे और फिर उसके ऊपर ब्रेड पीसेस डालेंगे। और उसके बाद इसे कैसे हमें सैंडविच बनाना है, कंप्लीट कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब इनके ऊपर लगाते हैं बटर। अब थोड़ा थोड़ा केचप डाल देते हैं। केचप डल गया है, अब इसके ऊपर वो जो फिलिंग हमने रेडी की है ना, वो डाल देते हैं। ओरिगेनो, ये चिली फ्लेक्स, इसके ऊपर बटर लग चुका है। और अब इस फॉइल को इस तरह से करते हुए ऊपर से पूरा रैप कर देंगे, अच्छे से इसे सील कर देंगे। ये तो तैयार हो गया। और अब पता है मैं क्या करने वाली हूँ, ये आयरन। अब इसे मैं इस आयरन के साथ सेकने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा तो सैंडविच मेकर नहीं है। तो ऑन है आयरन, देख लो यार, लाइट ऑन है। तो अब मैं इसे सेक करके आपसे मिलती हूँ। ओके, जब ये कंप्लीट रेडी हो जाएगी फिर आपसे आकर के मिलती हूँ। इसके अंदर अंदर मैंने चीज भर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसे वापस से हम आयरन करेंगे। चीज लग चुका है, अब इसे इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह हम चीज डालेंगे और इसे भी एक बार आयरन कर देंगे, फिर ये भी चिपक जाएगी। ये भी हल्का सा चिपक जाए तो हमारी सैंडविच रेडी हो जाएगी। तो अब इसे खोल करके देखते हैं। काफी मेहनत हो रही है, बट अगर रिजल्ट अच्छा है तो मेरी मेहनत जो है ना, वो सारी सक्सेस हो जाएगी।
तो गाइस सैंडविच रेडी हो चुकी है, ये रही हमारी सैंडविच। ये सैंडविच, ये हमारी बड़ी सैंडविच और ये हमारी छोटी सैंडविच। देखा कितनी बड़ी सैंडविच बनी है, काफी ज्यादा भारी है ये। तो ये हमारी जॉइंट सैंडविच और ये हमारी टाइनी सैंडविच, छोटू सी सैंडविच है। अब इसे हम बीच में से कट करेंगे और फिर खा लेंगे। तो ये हमारी जंबो सैंडविच, हमारी जॉइंट सैंडविच तैयार है और ये टाइनी सैंडविच, छोटी सी सैंडविच, देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। तो अभी क्या है कि हमारा खाने का मस्त एंड होगा। मैंने ऊपर से भी थोड़े स्पाइसेस डाल दिए, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिया है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है सैंडविच। ये बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं ये हमारी सैंडविच। जॉइंट सैंडविच आप देख सकते हैं मेरे फेस के सामने, ये कितनी बड़ी लग रही है। तो अभी सैंडविच को मैं हाथ पे लेके तो खा नहीं सकती, ऐसे उठा के टूट जाएगी। अब मैं इसे यूं ही चख के देखती हूँ। और मैं अकेले तो इतनी सारी सैंडविच खा नहीं पाऊंगी, अंदर सभी वेट कर रहे हैं सैंडविच का, तो फटाफट से वीडियो को एंड करके जाएंगे और सारे मिल करके खाएंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जॉइंट वाला लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ और हमारी ग्लैम फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है glampetals_jyoti। तो फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय। तो गाइज अब मैं अपने कमरे में आराम से एसी के नीचे बैठ करके सैंडविच खा रही हूँ, बहुत टेस्टी बनी है सच में। आप एक बार ना इसी रेसिपी के साथ जैसे मैंने अभी बनाई ना, ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनी गाइज, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे पीसेस कर लिए और मज़ा आ गया खाने का। वापस ऐसे गर्म किए हैं और खा रहे हैं, मस्त बनी है। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet.